ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांत्रकारी भानु सजीवो मिसुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांति करा भवन्तु नवग्रह शांति करा भवन्तु। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि मंगल की युति जो हटी है उसका प्रभाव क्या हुआ। 23 अप्रैल के दिन मंगल महाराज परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे और ये परिवर्तन विशेष तौर पर हम बात करें तो बहुत शुभ रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। शनि मंगल की युति, देखिए मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और शनि महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान है स्वग्रही होकर। मंगल पूर्ण ताकत में रहते हुए शनि के साथ जिस प्रकार द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रखे थे पिछले करीब करीब 1.5 महीनों से, और शनि महाराज को लगातार करीब करीब हम माने कि पिछले 1.5-2 महीने से एक के बाद एक कभी सूर्य परेशान कर रहे थे और कभी शनि परेशान कर रहे थे। अपनी राशि में स्वग्रही होकर आपके सुख वाले स्थान पर शनि महाराज पिछले करीब करीब 1.5 साल से चल रहे हैं, 1 वर्ष रह गया है यहाँ पर वो विराजमान है और सुख के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शनि बहुत कम सुख के योग बनाते हैं। यदि 2.5 साल तक ये आपके सुख वाले भाव में बैठ गए हैं आके और सुख देने के योग बना रहे हैं, लेकिन बाकी ग्रह लगातार अननेसेसरी क्लेश करते दिखाई दे रहे हैं, शनि के शुभ प्रभाव को होने नहीं दे रहे थे। शनि मंगल की युति सबसे भयावह योग के अंतर्गत आती है, अनहोनी के योग बनाती है, विस्फोटक योग बनाती है। उससे पहले सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया था, फिर सूर्य राहु की युति हो गई थी, तो ओवरऑल कई ग्रहों की युति शनि के आसपास जिस प्रकार की बनी हुई थी शनि के शुभ फल को प्राप्त होने की स्थिति नहीं दे रहे थे। खैर, अब देर आए दुरुस्त आए, 23 अप्रैल को मंगल महाराज शांत होकर आगे निकल गए हैं और बुद्धि वाले स्थान में जाकर आपके विराजमान है, पंचम भाव में जाके विराजमान हो गए हैं और ये वहाँ आपके लिए लाभ के योग बनाएंगे। चिंता ना करें, ओवरऑल समय हमें दिखाई देता है कि आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। धीरे धीरे सब कुछ काम होने के योग बनेंगे। ये पूरा वर्ष आने वाला समय जो है अप्रैल मई 2025 तक के लिए शनि महाराज यहाँ पर जो विराजमान हैं अभी, ये आपको बहुत कुछ देखे जाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ भी देंगे। बस जिद पे मत अड़िएगा, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से दुश्मनों को भी समाप्त करेंगे, सब प्रकार से लाभ देने के योग बनाएंगे। आने वाले समय में बृहस्पति महाराज भी आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई देंगे। देखिएगा वृश्चिक राशि वालों, ये आने वाला समय जो 1 साल है इसमें आपको बहुत सुंदर तरीके से कई प्रकार से, अभी बृहस्पति परिवर्तित होने जा रहे हैं मई के आरंभ काल में, शुरू में थोड़े दिन अस्त रहेंगे लेकिन उसके बाद जून के बाद देखिएगा शनि अपनी जगह आपको लाभ देंगे और बृहस्पति पूरी तरह से आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ को, धन को, नए लोगों को, नए पार्टनर्स को, लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के बहुत सुंदर रास्ते बनते दिखाई देंगे। तो ये जो शनि महाराज का परिवर्तन मंगल का जो के युति चल रही थी ये हट गई है 23 अप्रैल से। आने वाले समय में बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए आगे बढ़ने के योग अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। बस सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। शनि यहाँ वायु कारक तत्व तो पेट संबंधित रोग समस्याएं देने के योग दे सकता है, लेकिन ओवरऑल सफलता देगा, अच्छे देगा, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग बनाएगा, सुख भी देगा, बट अड़ियल वाला स्वभाव बचाना पड़ेगा आपको। यहाँ शनि महाराज की दृष्टि जो है ना वो लग्न पर पड़ रही है और मंगल की राशि है वहाँ पर आपकी, यानी मंगल राशि के स्वामी जो है मंगल है और राशि के मुख पर आपका शनि का दृष्टि लगातार पड़ रही है और वो अननेसेसरी जिद बढ़ाने का प्रयास करता है। तो जिद से बचते हुए बस इस बात का, शनि का स्वभाव है जिद्दी, शनि का स्वभाव है अड़ियल, शनि का स्वभाव है धीरे, बस धीरे धीरे इस स्वभाव में यदि परिवर्तन लाकर आपने कार्य कर लिया तो बहुत सुंदर होगा। आमतौर पर हम जब शनि का उपाय करने बैठते हैं तो बहुत सारे उल्टे सीधे उपाय करने बैठ जाते हैं, तो हमारे हिसाब से आपके लिए केवल हनुमान चालीसा, हनुमान जी के चरण पकड़े जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करे जाओ, हनुमान जी को चोला चढ़ाए जाओ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये बात ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग आज समाज में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर देते हैं कि स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए ये शास्त्र में भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। परमपिता सबके हैं, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, सबके सब हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं और शास्त्रों में अनेक कथाएँ विराजमान हैं। जो जो हनुमान जी के भक्त रहे चाहे वो स्त्री चाहे पुरुष, सबके जीवन में कल्याण के योग बने। शनि को ठीक करने के लिए कुछ और नहीं, हनुमान जी का ही सहारा पकड़ लीजिए और ये आने वाले जो साल है पूरा पूरा, अभी 24 जितने करीब 24 का पूरा काल, 25 का मध्यकाल, ये बहुत सुंदर आपके लिए ग्रहों का योगायोग बना के लाने वाला है। बीच में कुछ समय थोड़े थोड़े से हल्के बहुत बादल आएंगे, उस संबंध में हम आपको अवगत कराते रहेंगे, लेकिन अब समय का आनंद लीजिए। 23 तारीख से शनि मंगल की युति हट गई है, आपके लिए परिवर्तन का योग बहुत सुंदर तरीके से, लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए और विचार कीजिए पूरी जन्मपत्री। आमतौर पर हम पूरी जन्मपत्री को अच्छे से समझना इसलिए चाहते हैं कि उसके द्वारा पूरा ओवरऑल स्थिति समझ में आती रहती है कि किनके लिए कौन सा ग्रह शुभ है भी कि नहीं। कई बार क्या है, बृहस्पति महाराज को हम शुभ ग्रह मानते हैं लेकिन जन्मपत्री में वो क्या विषय पर कार्य कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, किस प्रकार के योगा योग का निर्माण कर रहा है आपकी जन्मपत्री में, कहाँ चंद्रमा का, जैसे तो रोज पदार्पण होता है लेकिन कहीं चंद्रमा आपकी कुंडली में केमुद्रम इत्यादि योग तो नहीं बना रहा है,
उनका लिए कैसे परिवर्तन का योग बनाना है, क्या क्या स्थिति ग्रहों की है और कौन कौन से खास उपाय कर उन ग्रह स्थिति को परिवर्तन करने के लिए आप उपाय कर सकते हैं, वो खास तौर पर जान लेना चाहिए। और हमारा ये संस्थान विशेष तौर पर लगातार ऐसे ज्योतिष के बहुत सारे विषयों पर बहुत सारे शोध कर बहुत सारी पुस्तकें भी लगातार छापने का प्रयास करता ही है, बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, बहुत सारे आश्रम पर नित्यपति यज्ञ भी चलते हैं, उन सब में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम होता है, हर मंगलवार को विशेष तौर पर भगवान का स्तवन होता है, माँ दुर्गा की सिद्ध प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से आकर यहाँ प्रतिष्ठित है, आज आचार्य श्री केशवदेव जी की के द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई 1960 के आसपास, और तब से विभिन्न पराविद्याओं के विषय पर हम लगातार कार्य करते रहते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो विशेष तौर पर और भी योग इत्यादि, ज्योतिष इत्यादि, आयुर्वेद इत्यादि, इन सब पर हॉस्पिटल भी है, योग प्राकृतिक चिकित्सा का 100 बेड का हॉस्पिटल है, गौशाला है आश्रम के अंदर, दिल्ली जैसे क्षेत्र में लगातार हम पिछले करीब करीब 50-60 सालों से ये सुंदर कार्य अध्यात्म के संबंध में कार्य यहाँ से करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सब लोग हमारे आश्रम से जुड़ सकते हैं, और बहुत सारे हॉस्पिटल है, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल है जो आश्रम में कार्यरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर है, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर है, बहुत सारी संस्थाओं के साथ मिलकर हम समय समय पर विशाल कार्यक्रम करते रहते हैं। और आप सब भी हर जो यज्ञ इत्यादि में भाग लेना चाहते हैं तो रविवार का एक दिन हमने जनरल सबके लिए रखा हुआ है, यहाँ पर हर रविवार को सुबह 8 से लेकर करीब करीब 10 बजे तक विशाल भंडारे के साथ एक कार्यक्रम चलता है, तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित होकर माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर दिव्य यज्ञ का आनंद लें, और देखिएगा भारतीय संस्कृति में यज्ञ के द्वारा अद्भुत लाभ कैसे मिलते हैं, उस सब संबंध में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो जुड़िए विवेकानंद योग आश्रम से। धन्यवाद, नमस्कार।